I guess. वेलकम बैक टू द बाइट लिस्ट दिस इज इ होस्ट राज लिसन दोस्तों सभी के लिए एक छोटा सा न्यूज़ लेके आया है आज ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है तो यहाँ पे ऑफिशियली एक हमें अपडेट मिल चुका है दैट इज द वर्क फ्रॉम होम एग्जाम्सम फॉर द आई टी एंड आई टीज इंडस्ट्री एक्सटेंडेड टिल दिसंबर थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब जितने भी आई टी इंडस्ट्री का है बंदे दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितना भी बंद मान लीजिए डेवलपमेंट का कोई भी हो कंपनी दैट इज रिलेटेड टू आई टी एंड आई टी ई एस आई टी ई एस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं इट्स नॉट लाइक द बी पी ओ बट वहाँ पे कुछ कुछ आई टी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कुछ हद तक लाइक uh, प्रोसेसिंग like, uh, वाला सर्विस बिजनेस आउटसोर्सिंग वाला उसी हिसाब से जितना भी कंपनीज हैं उन लोगों का अभी फाइनली गवर्नमेंट के हिसाब से ये गवर्नमेंट ने हमें मतलब नया अपडेट दे के आया है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंड तो यहाँ पे पूरा मैं आपको जो न्यूज़ है बता देता हूँ तो ठीक है ये मैंने देखा था यहाँ पे मैं इकोनॉमिक टाइम में पढ़ा था दूसरा जितने भी न्यूज़ पेपर जितना कुछ भी है सब में ये अभी अपडेट आ चुका है ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका है तो यहाँ पे आप देख सकते हो डट इज़ द न्यू दिल्ली द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ एक्सटेंडेड डेट द एग्जाम्पन गिवन टू द आई टी एंड द आई टी इंडस्ट्री टू वर्क फ्रॉम होम टिल दिसंबर दिस ईयर द एग्जाम्पन वॉज गोइंग टू एक्सपायर एट द एंड ऑफ द जुलाई क्योंकि पहले हम लोगों का क्या था थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई में ये ख़त्म हो जाने वाला था उसी के बाद ही हमारा जो आई टी इंडस्ट्री में जितने भी बंदे काम करते हैं उन लोगों के लिए ऑफिस खोलने वाला था तो जाके वो ऑफिस में ही काम करेंगे बिकॉज ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक आप देख रहे हो जिस हिसाब से जिस हट तक ये बढ़ चुका है वी आर इन द टॉप थार्ड प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं कि वी आर द वर्ल्ड हार्ड एफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड इस हिसाब से हो रहा है तो इसी हिसाब से फाइनली इसे अभी गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड कर दिया गया है इन द व्यू ऑफ द ऑन गोइंग कंसर्न ड्यू टू द कोविड द डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू फर्दर एक्सटेंड दिस रिलेक्सेशन अप टू द डिसम्बर थर्टी फर्स्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू इस हिसाब से हो गया है तो यहाँ पे कुछ कुछ किस्सा है पूरा न्यूज़ पढ़ सकते हो लेकिन इस मैं इस हिसाब से एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों क्योंकि फ्रॉम द मार्च मिड ऑफ मार्च के हिसाब से अब तक हम लोगों ने इस हिसाब से वर्क फ्रॉम होम बेस में ही काम कर रहा हूँ ठीक है लेकिन वहाँ पर क्या कुछ हो गया है कुछ कुछ रिक्वायरमेंट हमें भी चाहिए क्योंकि आई टी इंडस्ट्री सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ही काम नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे देखिए मान जी कि जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए मान लीजिए कि मेरा सिस्टम क्रैश हो गया तो उसे ठीक करने के लिए जाने के लिए मुझे सर्विस सेंटर चाहिए वो जहाँ पर हार्डवेयर रिपेयर का काम होता है या फिर आप देख सकते हो वी नीड अ लॉट ऑफ डेटा डेटा हमें बहुत चाहिए क्योंकि मोबाइल डेटा से हम पूरा काम नहीं कर पाते ऑफिस में जो इन्वामेंट होता है तो उस हिसाब से वी नीड रिक्वायर मान लीजिए कि आप कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हो जहाँ पे आपको डाटा बहुत चाहिए तो उस हिसाब से थोड़ा चीज़ें मतलब 19-20 हो रहा है देखते हैं क्या किस हिसाब से होंगे बट या इन द टॉप लेवल ऑफ आईटी टी इंडस्ट्री इन द ग्लोब तो उसी हिसाब से काम तो चल रहा है बट uh, किस हद तक ये आगे चलेंगे उसका कोई हम लोग के पास भी अजाम चल रहे हैं बट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसे डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि वी हैव टू गो फॉर द सोशल डिस्टेंसिंग एंड डेट एंड ऑल डेट इज़ वाई तो गवर्नमेंट की तरफ से ये फाइनली ऑफिशियल नोटिस आ चुका है डेट इज़ एक्सटेंडेड अप टू थर्टी ऑफ दिसंबर 2020. तो यही छोटा सा किस्सा आप सभी के साथ मैंने शेयर किया होप इट्स कॉन वो वी ए बेनिफिशियल फॉर यू अच्छा लगा तो गो फॉर अ लाइक कमेट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अच्छे